हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू कैसे हो आप सभी आई होप अच्छे होंगे और जो आपकी बायो की रिवीजन है वो अच्छी चल रही होगी और साथ में जो मैंने आपको लास्ट के वीडियो के अंदर क्वेश्चंस करवाए थे वो आपको समझ में आ गए होंगे और आपने अपनी कॉपी के अंदर उनको राइट भी कर लिया होगा तो आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर जब वो रिवाइज करने वाले हैं जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ये क्लास टेंथ की बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर है और ये सबसे ईजी चैप्टर है बायोलॉजी का समझने में भी और याद रखने में भी सबसे ईजी चैप्टर है ये आपके कॉन्सेप्ट चेक करता है ना कि आपकी थ्योरी को याद करने की जो पावर है उसको तो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन चैप्टर को आज हम आ, स्टार्ट करने वाले हैं और इस चैप्टर के अंदर से एक या दो क्वेश्चन हर बार आता ही आता है हर बार का रिकॉर्ड है ये अगर आप पिछले प्रीवियस ईयर पेपर्स या फिर सैंपल पेपर उठा के देखते हो तो एक या दो क्वेश्चंस इस चैप्टर से आते ही हैं तो आज हम अपना जो चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इसको स्टार्ट करने वाले हैं तो बेसिकली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब ये है कि अपनी बॉडी को एक कोऑर्डिनेटेड मैनर के अंदर वर्क करवाना जैसे कि हमारे मतलब हमारे बॉडी को बाहर से कोई सिग्नल मिला जैसे कि हमारा हाथ है जब वो किसी गर्म चीज को लग गया या फिर हमें सर्दी लग रही है हमें कैसे पता चल रहा है कि हमें सर्दी लग रही है और अगर हमें सर्दी लग रही है तो हमारा माइंड हमारे जो ऑर्गन्स है वो उस टाइप से वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं राइट तो ऐसा होता है जब हमने किसी गर्म चीज को टच किया तो हमारे जो है हाथ है वो सडनली रिएक्शन करता है कि आप पीछे हट जाता है उस गर्म चीज से राइट तो दैट इज बेसिकली कि अपने हैंड का कोऑर्डिनेट बनाना अपने माइंड या अपने स्पाइनल कोड के साथ वो हम पढ़ेंगे कि जो भी रिफ्लैक्स एक्शन होते हैं वो स्पाइनल कोड लेती है ठीक है तो ये सब बेसिकली हमारा आता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर के अंदर कि हमारी बॉडी जो है वो एक कोऑर्डिनेटेड मैनर मतलब उसका कोऑर्डिनेशन बन रहा है ऑर्गन्स के साथ जो वो रिएक्शन ले रही है वो ऑर्गन्स को भी पता है और ऑर्गन्स ही उसको बेसिकली परफॉर्म करती है मसल्स ऑर्गन्स बोन्स ठीक है तो बेसिकली ये होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किसी भी बाहर से आई सिग्नल को जिसको हम आगे स्टिमुली बोलते हैं स्टिमली इज बेसिकली और एनी एक्सटर्नल सिग्नल जो बाहर से कोई भी सिग्नल आता है अगर कोई बाहर से सिग्नल आ रहा है उसको रिस्पॉन्स करना एक कोऑर्डिनेट मैनर में अपनी बॉडी के साथ दैट इज बेसिकली नोन एज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन तो स्टार्ट करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बेसिकली होता क्या है पहले तो इसी चीज की डेफिनेशन दे रखी है कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता क्या है इट रेफर्स फंक्शनिंग ऑफ अवर बॉडी इन अ कोऑर्डिनेटिंग मैनर इन ऑर्डर टू रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। स्टिमुल का मतलब हो गया कोई भी एक्सटर्नल सिग्नल एक्सटर्नल सिग्नल जैसे कि लाइट हो गया हीट हो गया साउंड हो गया इस टाइप के एक्सेप्टर बहुत सारे हो सकते हैं ठीक है इस टाइप के एक्सटर्नल सिग्नल्स को बेसिकली हम बोलते हैं स्टिमली और जब भी कोई एक्सटर्नल सिग्नल हमारी बॉडी को मिल रहा है उसे जो कैरी करती हैं जो सेल्स कैरी करती हैं उन्हें हम रिसेप्टर्स बोलते हैं रिसीव करने वाले रिसीव कौन कर रहा है सिग्नल का दे आर बेसिकली नोन एज रिसेप्टर हमारी बॉडी के अंदर हर एक जगह पे अलग अलग टाइप के रिसेप्टर्स हैं जो वो प्रेजेंट होते हैं जैसे कि हमारी नोज के अंदर हमें स्मेल करना है किसी चीज़ को तो स्मेल तो हम केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं ओल फैक्ट्री इंडिकेटर तो नोज़ के अंदर ओल फैक्ट्री रिसेप्टर्स है जो वो प्रेजेंट होते हैं नोज़ के अंदर कौन से रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं ओल फैक्ट्री ऐसे ही हमारी टंग पर टंग से हमें क्या करना है किसी चीज को टेस्ट करना है बेसिकली तो वहां पर टेस्ट के लिए कौन से रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे जो टेस्ट का सिग्नल रिसीव करेंगे दे आर गस्टरी रिसेप्टर गस्टरी रिसेप्टर टंग पे प्रेजेंट होते हैं हमारे ईयर्स के अंदर जो साउंड को रिसीव करेंगी सेल्स जो साउंड को रिसीव करेंगे रिसेप्टर्स मतलब बेसिकली साउंड को रिसीव करने वाले जो ईयर के अंदर प्रेजेंट है वो कौन से होंगे फोनो नॉट फोटो फोनो जो लाइट को जो लाइट को कैप्चर करेंगे वो होंगे बेसिकली हमारे फोटो रिसेप्टर जो कि हमारे आईज के अंदर होंगे बेसिकली यहां ऑर्गन लिख रही हूं मैं ऑर्गन कौन से ऑर्गन के अंदर कौन से हैं तो फोटो रिसेप्टर्स और जो हीट को रिसीव करते हैं या फिर हीट की सेंस करते हैं दे आर बेसिकली थर्मल रिसेप्टर थर्मल इज समथिंग रिलेटेड टू हीट क्या आपको याद रखने पड़ेंगे कि नोज के अंदर ओल फैक्ट्री रिसेप्टर टंग के अंदर गेस्ट्रोल रिसेप्टर ईयर्स के अंदर फोनो रिसेप्टर्स, हमारी स्किन के ऊपर थर्मल रिसेप्टर्स हीट को जो रिसीव करेंगे और एक बच गया फोटो रिसेप्टर्स हमारी आइज के अंदर जो लाइट को कैप्चर करते हैं ठीक है फोटो इज समथिंग रिलेटेड टू फोटॉन्स एंड फोटॉन्स इज समथिंग रिलेटेड टू लाइट फोटो कभी भी लाइट से रिलेटेड नहीं होता है इसको याद ही ऐसे रखते हैं कि फोटो इज समथिंग रिलेटेड टू सन लाइट या फिर लाइट फोटो इज नॉट रिलेटेड टू लाइट फोटो इज रिलेटेड टू फोटॉन्स फोटो इज रिलेटेड टू फोटॉन्स and photons is related to sunlight लाइट फिर बोल सकते हैं हम लाइट वो पार्टिकल्स होते हैं जब लाइट ट्रेवल करती है उसके अंदर आते हैं बेसिकली वो चैप्टर नंबर लाइट जो हमारा चैप्टर है उसमें आएगा ये बेसिकली फोटो इज समथिंग रिलेटेड टू फोटो एंड फोटोन्स इज समथिंग रिलेटेड टू सनलाइट इस वजह से बोलते हैं कि फोटो रिसेप्टर्स मतलब जो लाइट को कैप्चर हैं ठीक है तो ये हमारे कुछ रिसेप्टर्स है रिसेप्टर्स का मतलब जो सिग्नल को रिसीव करेंगे जो सिग्नल को रिसीव करेंगे जो सिग्नल को रिसीव करेंगे ठीक है और जो सिग्नल के रिस्पॉन्स करेंगे रिस्पॉन्स करेगा कौन करेगा या तो हमारा ब्रेन करेगा या फिर हमारी स्पाइनल कोड करेगी या फिर और भी जो हम आगे पढ़ेंगे कि कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के दो सिस्टम होते हैं वो सब जो रिसीव करेंगे दे आर नॉन एज इफेक्टर्स दे आर नोन एज इफेक्टर्स जो रिस्पॉन्स करेंगे दे आर बेसिकली नॉन एज इफेक्टर्स जो रिस्पॉन्स करते हैं ठीक है तो ये रिसेप्टर्स आपको याद रखने हैं पूछे जाते हैं और नेक्स्ट वीडियो में या फिर इस वीडियो में अगर टाइम ड्यूरेशन पर डिपेंड करता है नेक्स्ट वीडियो में या फिर इस वीडियो में अगर क्वेश्चंस देखेंगे जब हम इस चैप्टर के तो आप उसमें देख लेना एक क्वेश्चन इस चैप्टर से पक्का है ठीक है तो ये पूछे जाते हैं इनको याद रखना है कि नोज में उल्फैक्ट्री होते हैं उल्फैक्ट्री रिसेप्टर किस को रिसीव करते हैं नोज के अंदर है तो फिर आ, स्मेल को बेसिकली ठीक है टंग के ऊपर टेस्ट को गस्ट्रो रिसेप्टर ईयर के अंदर साउंड को फोनो रिसेप्ट फोनो आइज के अंदर लाइट को फोटो रिसेप्ट और हीट को हमारी स्किन के ऊपर जो थर्मल रिसेप्टर ठीक है ये आप याद रखना ओके आगे चलते हैं ओके बेसिकली अब जो चीजें हैं वो थोड़ी सी समझने की हमारा जो ह्यूमन बींग के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बींग्स इन ह्यूमन बींग्स प्लांट का हम बाद में पढ़ेंगे पहले ह्यूमन बींग्स का पढ़ रहे हैं वो दो सिस्टम्स हैं जो वो हैंडल करते हैं एक है हमारा सिस्टम और एक है हमारा हॉर्मोनल सिस्टम ठीक है नर्वस सिस्टम के अगेन दो डिवीजन है नर्वस सिस्टम के अगेन दो डिवीजन है एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको हम सी एन एस से याद रखते हैं और एक है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम पेरीफेरल नर्वस सिस्टम जिसको हम पी एन एस से याद रखते हैं ऐसे ही हॉर्मोनल में भी दो आते हैं एक होता है हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड्स uh, और एक होते हैं हमारे एक्सोक्राइन क्राइन ग्रैंड ठीक है तो ये बेसिकली हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी का जो भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है वो ये दो सिस्टम परफॉर्म करते हैं एक 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 होता होता है 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 नर्वस 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 सिस्टम सिस्टम नर्वस सिस्टम 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 हार्मोनल के फर्दर दो डिवीजन है, एक है सेंट्रल पेरिफेरल और हार्मोनल में हम क्या पढ़ते हैं ग्लैंड दो टाइप के होते हैं बेसिकली एक होते हैं एंडोक्राइन एक होते हैं एक्सोक्राइन पढ़ेंगे हम एंडोक्राइन एक्सोक्राइन में क्या डिफ्रेंशिएट है दोनों की फंक्शनिंग क्या है वो सब हम पढ़ेंगे और इन दोनों को जो एक और होता है मतलब बेसिकली उसको हम कैटेगराइज नहीं कर सकते लेकिन जो दोनों का कॉम्बिनेशन ऑफ दैट इज बेसिकली योर हेटरोक्राइन ग्लैंड तो एक-एक करके इन सबको हमें पढ़ना है पहले हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम की पहले किसकी बात करेंगे अच्छा एक बार देख लो नर्वस सिस्टम जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि नर्वस सिस्टम के अंदर जो चीज जो वो यूनिट जो सिग्नल को ट्रैवल करवाएगी जो सिग्नल को ट्रांसमिट करेगी नेक्स्ट पोजीशन तक या फिर हमारी पूरी बॉडी के अंदर वो क्या है वो है न्यूरॉन वो क्या है न्यूरोन जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में न्यूरोन मतलब नहीं बोलते हैं नर्व सेल बोलते हैं नर्व सेल बोल लो न्यूरोन बोल लो दोनों एक ही बात है एक टाइप ऑफ सेल जो कि पूरी बॉडी के अंदर सिग्नल ट्रांसमिट करेगी नर्वस सिस्टम के अंदर ठीक है अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये पढ़ना है हमें न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ना है और न्यूरोन सिग्नल को कैसे ट्रांसमिट करती है वो सब भी हमें पढ़ना है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर हमारे आते हैं ब्रेन और स्पाइनल कोड ठीक है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में वो रेज आती हैं, या फिर वो और भी कोऑर्डिनेटिंग प्लेसेस uh, जो ब्रेन से और स्पाइनल कोड से राइज होती, है. होती हैं, रेज बोलते हैं बेसिकली रेज जो अराइज होती हैं, ब्रेन से और स्पाइनल कोड से कार्नियल और स्पाइनल कार्नियल रेज फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल रेज फ्रॉम स्माइन एंड गॉड ठीक है एंडोक्राइन तो हमें सारा ही पढ़ना है एक्सोक्राइन हमें स्टडी नहीं करना है एंडोक्राइन तो हमें इन डिटेल पढ़ना है उनके ग्लैंड के फंक्शनिंग तक पढ़नी है ठीक है तो स्टार्ट करते हैं नर्वस सिस्टम में न्यूरोन न्यूरोन से स्टार्ट करेंगे पहले न्यूरोन या फिर हम बोल सकते हैं नर्व सेल जो कि ट्रांसमिट करती है सिग्नल को क्या करती है सिग्नल को ट्रांसमीट करती है या फिर ट्रांसफर करती है ठीक है वन प्लेस टू अनदर प्लेस ठीक है इसका स्ट्रक्चर बहुत बार पूछा जाता है आपको आना चाहिए बनाना टेंथ क्लास में बहुत बार इसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं और इसके बॉडी पार्ट्स की फंक्शनिंग भी पूछ लेते हैं ठीक है मतलब इस न्यूरॉन के जो पार्ट्स लेबल करने होते हैं उनकी फंक्शनिंग तक पूछ ली जाती है कई बार तो तो आपको इसका स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करना चाहिए और सबसे इजी आई थिंक इसी का स्ट्रक्चर है पूरी उसमें पूरी टेंथ क्लास की बुक में दैट इज बेसिकली योर ये ऐसा कुछ न्यूरॉन का स्ट्रक्चर होता है ठीक है ये जो है ये ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स जो आगे की तरफ है न्यूरॉन की स्टार्टिंग है ये और ये तो पता ही चल रहा है फिर इसको बोलेंगे क्या नर्व एंडिंग नर्व की एंडिंग मतलब कि न्यूरॉन की एंडिंग ठीक है इस ये जो पाइप लाइक -like, जो रेड है इसको बोलते हैं एग्जोन एक तो आप एक चीज का खास ध्यान रखना जब आप बोर्ड का एग्जाम के अंदर डायग्राम बना रहे हो या फिर आप कुछ मतलब जो भी है जहां भी आप डायग्राम लेबल कर रहे हो या बना रहे हो एक चीज का स्पेशली ध्यान रखना आपके ये जो एरो है ना ये मैटर करते हैं कि अगर आपने एरो ऐसे दिखाया है, तो आप ये बताना चाह रहे हो कि इसको एग्जाम एग्जोन बोलते हैं या फिर अगर आपने एरो ऐसे लगाया तो आप बताना चाह रहे हो कि इस पार्ट को नर्व एंडिंग बोलते हैं तो वो सही लेबलिंग नहीं है ये सही लेबलिंग है या वो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन सी सही लेबलिंग है आप वैसे तो कोई भी करो वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन अगर आप एकदम बिल्कुल प्रॉपर वे के अंदर पेपर देके के आना चाह रहे हो तो एक बार एरो आप एनसीईआरटी के अंदर चेक करना कि एरो ऐसे है या ऐसे है वैसे आप कैसे भी लगा सकते हो ठीक है तो इसको बोलते हैं एक्जोन और ये ये जो शीट्स हैं इनको बोलते हैं माइलाइन शीट्स माइलाइन शीट्स माइलाइन शीट्स मेलाइन शीट्स बहुत सारी प्रोनाउंशिएशन है इनकी ठीक है कुछ एक एक्सोन्स के पास एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए ये होती हैं फॉर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन ये किस लिए होती हैं फॉर प्रोटेक्शन ठीक है और इन पार्ट्स को बोलती हैं डेंट्राइट्स, ये है हमारी सेल बॉडी या फिर कंफ्यूज नहीं होना या फिर इसको बोलते हैं साइटोन सेल बॉडी को साइटोन है न्यूक्लियस अब एक एक पार्ट का हमें प्रॉपर फंक्शन देखना है प्रॉपर ये जानना है कि किस पार्ट में कहा कैसे सिग्नल है जो वो ट्रांसफर होता है और कन्वर्ट होता है ठीक है स्टार्टिंग so करते हैं इसकी मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट इसकी स्टार्टिंग करते हैं हम ओके एक हमें वो लेना पड़ेगा एक्स्ट्रा पेज लेना पड़ेगा तो हम इसको एक बार समझ लेते हैं पहले इस पेज पे ही इस पेज पे हम एक बार इसको समझ लेते हैं ठीक है एक बार इसको समझते हैं बालिम न्यूरॉन के ये तो नोट डाउन आपने कर ही लिया होगा साथ साथ नहीं भी किया है तो आपको ये पीडीएफ के अंदर मिल जाएगा डोंट वरी ठीक है ओके न्यूरॉन में सबसे पहला जो पार्ट है हमारा वो है डेंट्राइट्स स्पेलिंग मेरी भी गलत हो सकती है थोड़ी बहुत ठीक है डेंट्राइड का काम होता है सिग्नल को रिसेप्टर से कैरी करना देखो रिसेप्टर्स वो सेल थी जिसने सिग्नल को आउटर एनवायरमेंट से कैरी किया था अब रिसेप्टर से जो सिग्नल लेंगी दैट इज बेसिकली डेंटराइड न्यूरोन की डेंटराइड रिसेप्टर से सिग्नल को कैरी करेंगी कैरी आप इसको लिख लेना ठीक है कैरी सिग्नल फ्रॉम <laughs> एक्सटर्नल एनवायरमेंट और यू कैन से रिसेप्टर्स ठीक है रिसेप्ट क्या करती हैं रिसेप्टर्स से सिग्नल को कैरी आउट करती हैं फिर वो सिग्नल जब न्यूक्लियस के पास पहुंचता है जब न्यूक्लियस के पास पहुंचता है या फिर सेल बॉडी के अंदर पहुंचता है तो वो सिग्नल जो केमिकल या आया था जो केमिकल सिग्नल आया था बाहर से केमिकल सिग्नल आया वो केमिकल सिग्नल अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल या फिर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल अब केमिकल सिग्नल अब इलेक्ट्रिकल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और पूरे एग्जोन के अंदर पूरे एग्जोन के अंदर वो अब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की वे में ही ट्रेवल करेगा एंड में जाके जब वो सिग्नल नर्व एंड के पास पहुंच गया नर्व एंड के पास जाके वो सिग्नल अगेन केमिकल सिग्नल के अंदर ट्रैवल होगा और वो वहाँ से डिफ्यूज़न के प्रोसेस से डिफ्यूज़न होगा दो न्यूरॉन के बीच में डिफ्यूज़न होगा और इस डिफ्यूज़न के प्रोसेस से वो अगली न्यूरॉन के पास केमिकल ही जाएगा फिर अगली न्यूरोन के डेंट्राइड ने केमिकल कैप्चर किया सेल के अंदर फिर वो इलेक्ट्रिकल के अंदर कन्वर्ट हो गया एक्जोन में फिर वो एक तरीके से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में ट्रैवल कर करा और नर्व एंडिंग में जाके फिर वो केमिकल में चेंज हो गया तो ये पूरा एक प्रोसेस है पूरा एक प्रोसेस है इसको एक बार लिखते हैं ठीक है इसको एक बार लिख के समझते हैं एक छोटी सी न्यूरॉन बना लेते हैं ये बहुत रफ स्ट्रक्चर बनाऊंगी मैं यहाँ पे आप इसका स्ट्रक्चर एन में भी देख सकते हो है वहाँ पे ठीक है ये बेसिकली समझने के लिए ये यहाँ पे पहली वाली न्यूरॉन है जब वो हमारी खत्म हो गई खत्म हो गई का मतलब है उसकी ये एंडिंग है जो भी अभी न्यूरोन का स्ट्रक्चर जो भी आपको समझाना जरूरी है इस वजह से ज्यादा ड्राइंग पे ध्यान अभी रहने देते ओके देखो होता क्या है यहां से आउटर एनवायरमेंट से रिसेप्टर से जो सिग्नल आया वो आया केमिकल मतलब यहाँ जो सिग्नल है वो कैसा है केमिकल केमिकल सिग्नल से लेके सेल तक, सेल बॉडी बॉडी तक, chemical है ना पे, यहाँ तक केमिकल है केमिकल सिग्नल रहेगा यहाँ पे केमिकल सिग्नल इलेक्ट्रिकल के अंदर कन्वर्ट हो गया अब मतलब पूरे एक्जोन के अंदर कैसा सिग्नल जाएगा इलेक्ट्रिकल पूरे सिग्नल के अंदर कैसा सिग्न पूरे के अंदर कैसा सिग्नल जाएगा इलेक्ट्रिकल यहाँ पे जो केमिकल सिग्नल था हमारा वो इलेक्ट्रिकल के अंदर कन्वर्ट हो गया और अब पूरा इलेक्ट्रिकल यहां तक पूरा इलेक्ट्रिकल यहां एंड में आके जहां पे और यहां एंड पे आके वो सिग्नल दोबारा केमिकल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा इस गैप को जो दो न्यूरॉन के बीच में गैप है इसको बोलते हैं एप्स ठीक है यहां पे बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन केमिकल है लिक्विड है लिक्विड के डिफ्यूजन के प्रोसेस से ये जो स्टार्टिंग है मतलब ये जो डेंट्राइड्स हैं दूसरी न्यूरॉन के वो उसको कैप्चर करेंगे और केमिकली कैप्चर करेंगे केमिकल ही कैप्चर करेंगे केमिकल सिग्नल का डिफ्यूजन हुआ तो यहाँ पे कैप्चरिंग जो होगी वो केमिकल होगी यहाँ केमिकल है यहाँ तक केमिकल ट्रैवल करेगा राइट फिर ये सेल बॉडी उस केमिकल को इलेक्ट्रिकल के अंदर कन्वर्ट कर देगी फिर या यहाँ तक एक्जोन में पूरा इलेक्ट्रिकल सिग्नल चलेगा एंड में जाके यहाँ पे फिर वो केमिकल हो जाएगा दिस इज बेसिकली यूर ट्रांसफर ऑफ सिग्नल ये होता है दो न्यूरॉन्स में सिग्नल मतलब एक न्यूरॉन के अंदर पर्टिकुलर न्यूरॉन के अंदर सिग्नल कैसे किस फॉर्म में ट्रैवल करता है वो चीज़ और ये जो गैप है ना ये बहुत मैटर करता है इस गैप के अंदर बहुत कुछ होता है डिफ्यूजन यहाँ होता है साइन के अंदर इसको पढ़ते हैं इसके अंदर कैसे होता है कहाँ होता है क्या होता है ठीक पढ़ते हैं ओके okay. देखो ये आ, ये है हमारी इस वाली न्यूरॉन का न्यूरॉन वन का न्यूरॉन टू ये है हमारे न्यूरॉन वन की नर्वेंडिंग ठीक है ये है हमारे न्यूरॉन टू के डेंट्राइट्स और दिस गैप ये जो मैंने गैप बताया इसको बोलते हैं साइन कोई दिक्कत नहीं ये जो न्यूरॉन है जो सिग्नल को इसके अंदर ट्रांसफर करेगी जो सिग्नल को वन टू टू वन टू टू जाएगी इसको बोलते हैं प्री सिंथेप्टूरोन Neuron, और ये रटने वाली चीज नहीं है कि इसको प्री मैंने पहले पोस्ट मैंने बाद में प्री मैंने पहले पोस्ट मैंने बाद में ये अगले चैप्टर में प्री फर्टिलाइजेशन पोस्ट फर्टिलाइजेशन तीन जो स्टेप होते हैं उसमें भी आएगा प्री मैंने पहले सिंथेप्ट मतलब से पहले सिंथेप्ट मतलब से पहले वाली न्यूरोन को हमने बोल दिया प्री सिंथेप्टूरोन साइन एप से बाद वाले बाद को बोलते थे पोस्ट साइन से बाद वाले न्यूरोन को हम बोल देंगे इट्स सिंपल इसमें रटने वाली कोई चीज नहीं है पोस्ट सिंथेप्टूरोन ठीक है पोस्ट मैंने साइन से बाद वाली प्री मैंने साइन से पहले वाली ठीक है अब होगा क्या बेसिकली यहां पे जो सिग्नल है यहां पे जो सिग्नल है प्री न्यूरॉन न्यूरोन कुछ न्यूरो रिलीज करेगी किसको रिलीज करेगी न्यूरो ट्रांसमीटर न्यूरो ट्रांसमीटर्स को न्यूरो ट्रांसमीटर बेसिकली एक तरीका केमिकल होता है केमिकल का नाम अगर आप पूछोगे तो मैं बता दूंगी अदरवाइज याद करने की जरूरत नहीं है क्लास टेंथ के अंदर नहीं है इवन न्यूरो ट्रांसमीटर भी नहीं है ठीक है तो एक तरीके का प्री सिंथेप्ट एक तरीके का कैमिकल जिसको हम न्यूरो ट्रांसमीटर बोलते हैं वो रिलीज करेगी और बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन वो यहाँ से निकल के आएगा और यहाँ कुछ रिसेप्टर्स लगे होते हैं न्यूरोन की उसपे उनको एक्टिव कर देगा इनको एक्टिव कर देगा ये जो लिया ऐसे, ऐसे सिग्नल जो है वो इस वाले न्यूरॉन के अंदर चला जाएगा डेंट्राइड के अंदर चला गया केमिकल ही गया है केमिकल गया है डिफ्यूजन देन वो इलेक्ट्रिकल के अंदर देन फिर केमिकल देन फिर साइन के बीच में यही होगा ऐसी पूरी बॉडी के अंदर जितने भी न्यूरॉन्स है उनके बीच में जो इलेक्ट्री ट्रांसफर ऑफ सिग्नल है वो ऐसे ही होता रहता है ठीक है तो ये याद रखना कि यहाँ पे कुछ न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं जो कि अगली न्यूरोन के रिसेप्टर्स को एक्टिव कर देती हैं जिसकी वजह से अगले न्यूरोन एक्टिव हो गए मतलब उसके रिसेप्टर्स एक्टिव हो गए उसको पता चल गया कि कोई सिग्नल आ रहा है अब उसको रिसीव करना है तो वो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन रिसीव कर लेते हैं और फिर अपना नेक्स्ट टू नेक्स्ट नेक्स्ट टू नेक्स्ट पूरी बॉडी के थ्रू सिग्नल ट्रांसमिट हो जाता है ये पूछा जाता है वैसे ही नहीं बताया है ये पूछा जाता है बच्चे सोच रहे होंगे ये एक्स्ट्रा है ये टेंथ क्लास में नहीं ये पूछा जाता है आप क्वेश्चंस में देख लेना इस वीडियो में फिर नेक्स्ट वीडियो जब भी हम करेंगे उसमें देख लेना ये पूछा गया है ये बेसिकली इसके पूछे जाने की कम प्रोबेबिलिटी है एज कम्पेयर टू दिस ये पूछा जाता है ठीक है इसको अपनी कॉपी के अंदर बना लेना डायग्राम को तो ये हो गया हमारा बेसिकली न्यूरोन न्यूरोन की फंक्शनिंग हो गई न्यूरोन के पार्ट्स न्यूरॉन के पार्ट्स हो गए ठीक है न्यूरॉन हमारी नर्वस सिस्टम के अंदर वो यूनिट है जो सिग्नल को ट्रांसफर करती है जो सिग्नल को ट्रांसमिट करती है वो यूनिट है अब हमारे दो थे दो न्यूरॉन के अंदर दो डिवीजन थे एक था हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम दूसरा था हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमें नहीं पढ़ना है थैंक टू गोड लेकिन जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको हमें इन डिटेल पढ़ना है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर मैंने बोला था दो चीजें आती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर कौन सी दो चीजें थी वो एक था ब्रेन एक थी स्पाइनल थीड ब्रेन और स्पाइनल कोड दोनों की फंक्शनिंग दोनों के काम दोनों के पार्ट्स सब हमें इन डिटेल पढ़ने मतलब इतने भी डिटेल मतलब हमें पढ़ने हैं ब्रेन और स्पाइनल कोड तो स्टार्टिंग करते हैं स्पाइनल कोड से ठीक है ये पता चल गया न्यूरोन कैसे सिग्नल ट्रांसफर करेगी दो साइन के बीच में क्या होगा स्पाइनल कोड एक तरीके की सिलेंड्रिकल एक्सटेंशन होते हैं स्पाइनल कोड यहाँ प्रेजेंट होती है हमारे बेसिकली यहाँ पे ये यहाँ पे मेन मेन सिर के पीछे बिल्कुल ब्रेन के पीछे ठीक है और वर्टिब्रेट जो हमारी होती है उसके साथ कनेक्टेड होती है या फिर कुछ ऐसा ठीक है वो आप वो सब आपको नहीं पढ़ना स्पाइनल कोड जो है वो एक तरीके की सिलेंड्रिकल एक्सटेंशन है ठीक है इसकी जो आ, लेंथ है वो 37 टू 45 सेंटीमीटर होती है अकॉर्डिंग टू हाइट डिपेंड करता है कि बंदे की हाइट कितनी है उस हिसाब से साइज होता है वरना नॉर्मली 37 टू 45 सेंटीमीटर ठीक है जितने भी हमारे रिफ्लैक्स सेक्शन होते हैं रिफ्लैक्स एक्शन बोलो इन रिएक्शन बोलो सडन रिएक्शन बोलो मतलब एकदम से झटका लगना एकदम से गर्म हाथ लग गया किसी चीज़ के ज्यादा गर्म के हाथ लगे, एकदम से ऐसे हाथ पीछे करना एकदम से शौक लगना किसी जगह एकदम से ठंडी चीज़ के हाथ लगा लिया मतलब उस टाइप से चोट लगने पर एकदम से सडनली रिएक्शन करना दैट इज बेसिकलीअर रिफ्लेक्स एक्शन और वो इनवॉल्ट्री एक्शन में नहीं होता है आपको पता है कि आप आप गरम हाथ गरम चीज़ को हाथ को चीज़ लगा रहे हो क्या हटाओगे नहीं इतनी गरम है मतलब ऐसा नहीं होता ठीक है तो एक्शन जितने भी रिफ्लैक्स एक्शन होते हैं वो हमारी स्पाइनल कोड लेती है इनको हम इनवॉलेंट्री एक्शन भी बोल सकते हैं इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं बेसिकली जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं जैसे कि माउथ में स्लाइवेशन होना माउथ में जब पानी आता है टेस्टी टेस्टी टेस्ट, फूड मोमोज बर्गर पिज्जा को देख के वो हमारे कंट्रोल में नहीं है हम चाह के भी उसे कंट्रोल नहीं कर सकते तो दे आर नॉन एज इनवॉल्ट्री एक्शंस ठीक है तो आगे चलते हैं स्पाइनल कोड का स्ट्रक्चर हमें पढ़ना है देखो यही बना देती हूँ मैं यहाँ सपोज करो हमारा हैंड है हाथ है मतलब इतनी अच्छी मेरी ड्राइंग है नहीं कि मैं आपको यहाँ पे हैंड हाथ ड्रॉ करके दिखाऊं यहाँ से हमारी जो बाजू है बेसिकली वो स्टार्ट होती है मैं आपको पहले स्पाइनल कोड का स्ट्रक्चर बनाती हूँ कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है हमारी स्पाइनल कोड का कुछ इस टाइप का कुछ इस टाइप का ठीक है यहाँ पे ब्रेन को मैसेज आता है मैसेज टू ब्रेन और यहाँ पे कुछ इंटरचेंज टाइप कुछ होता है और यहाँ ये पूरा प्रोसेस होता है यहाँ से अपने हाथ से एक न्यूरॉन जाती है और वो यहाँ स्पाइनल कोड पे यहाँ सिग्नल पहुंचाती है और फिर यहाँ कुछ न्यूरॉन होती हैं जो सिग्नल को कन्वर्ट करते हैं और रिस्पोंस को फिर एक न्यूरॉन के टाइप में यहां मसल्स होती हैं उन तक जाते हैं ये इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर होता है दिस इज बेसिकली योर स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है ओके okay. अब देखो इसको तो समझते हैं पहले स्टेप में होगा क्या यहाँ जो न्यूरोन प्रेजेंट होती हैं जो रिसेप्टर्स यहां हीट के से मान लो हमने किसी गर्म चीज़ को हाथ लगा लिया यहाँ जो हीट के रिसेप्टर्स थे हीट के रिसेप्टर्स कौन से थे थर्मल रिसेप्टर्स यहाँ जो थर्मल रिसेप्टर्स थे उन्होंने हीट से मतलब सिग्नल कैरी किया रिसीव किया सिग्नल को और यहाँ एक न्यूरोन होती है जिसको बोलते हैं सेंसरी न्यूरोन सेंसरी न्यूरोन को सिग्नल दे दिया सेंसरी न्यूरोन काम क्या करती है उस सिग्नल को स्पाइनल कोड तक ट्रांसफर करती है सेंसरी न्यूरोन कैरी सिग्नल फ्रॉम रिसेप्टर्स कोड स्पाइनल कोड तक सिग्नल को पहुंचाती है स्पाइनल कोड तक सिग्नल पहुंच चुका यहाँ पे ये जो सिग्नल का वो होता है कन्वर्जन होता है यहाँ प्रेजेंट होती है रिले न्यूरॉन या फिर हम बोलते थे हैं इंटरचेंज न्यूरॉन या फिर इंटर कन्वर्ट बेसिकली इनका नाम पर्टिकुलर रिले न्यूरॉन होता है रिले न्यूरॉन क्या करेगी जो सेंसरी सेंसरिव से सिग्नल आया है उसको स्पाइनल तक पहुंचाती है मतलब है स्पाइनल हैड के अंदर इसको स्प्रेड कर देती है सिग्नल को और उसका जो रिस्पॉन्स है जो रिले न्यूरोन का रिस्पॉन्स है मतलब जो हमारा एक्शन हुआ है उसका जो रिस्पॉन्स है उसको एक सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करके मोटर न्यूरॉन को दे देती है ये होती है हमारी मोटर न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन को दे देती है और मोटर न्यूरॉन जाके मसल को बोलती है कि तू एक्शन कर और मसल हमारी एकदम से पीछे हाथ हटा लेती है अब आप सोच लो कितना फास्ट ये प्रोसेस होता है हाथ था हाथ किसी गर्म चीज के पास गया हाथ के ऊपर थर्मल रिसेप्टर्स थे उन्होंने हीट को कैरी किया यहाँ से सेंसरी न्यूरोन ने सेंसरी न्यूरोन ने रिसेप्टर से सिग्नल लिया और वो स्पाइनल कोड तक लिखी गई स्पाइनल कोड के अंदर रिले न्यूरोन ने उस सिग्नल को रिस्पॉन्स अंदर कन्वर्ट किया मतलब इस सिग्नल का रिस्पॉन्स क्या करना है वो तय किया रिले न्यूरोन ने उस सिग्नल को वापस से मोटर न्यूरोन को दिया मोटर न्यूरोन ने आके वो रिस्पॉन्स जो करना है वो मसल को बोला कि कर मसल ने एकदम से अपने आप को पीछे हटा लिया कितना फास्ट ये जो प्रोसेस है ये होता है कितना फास्टली ठीक है तो इन एक्शन होता है ये रिफ्लेक्स आर्क है इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं रिफ्लेक्स

कुछ कुछ इस टाइप का right? कुछ इस टाइप टाइप होता है, राइट? अब हो गया क्या बेसिकली यहाँ पे एक लेयर प्रेजेंट होती है इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक लेयर प्रेजेंट होती है ठीक है जो इन दोनों को अटैच्ड रखती है जिसको क्रॉप प्लस कॉल्सम बोलते हैं यहाँ पे होती है वो अटैच रखते हैं जो इन दोनों से जो भी है इसको आप जो बोलते हो इन दोनों को कनेक्ट रखते हैं जिसको क्रॉपलस कॉल्स बोलते हैं अब एनसीआरटी में जो इमेज दी हुई है वो कैसे दी हुई है कन्फ्यूज होता है उसमें कई बार बच्चे वो बता देती हूँ कैसे दिए हुए ये हमारा पूरा ब्रेन था इसको ऐसे दो टुकड़ों में से खोल दिया ये हमारा पूरा ब्रेन था इसको हमने दो टुकड़ों में ऐसे खोल दिया और जब इसको ब्रेन को हमने खोला तो हमने एक टुकड़े को जब देखा तो वह एक कुछ ऐसा दिख रहा था जब हमने एक टुकड़े को देखा तो वो कुछ ऐसा दिख रहा था और ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है है के अंदर देखो, ना सेम बस फर्क ये है कि इसमें ये चीज जो है सरे बलम वो आगे की तरफ दिखा रहे हैं इसको ऐसे घुमा दो इसको ऐसे घुमा दो तो ये बन जाएगा तो ये बेसिकली एनसीआरटी के अंदर स्ट्रक्चर कैसे दिया हुआ ये ह्यूमन ब्रेन था क्रॉप प्लस कैल्शियम की वजह से ये दोनों स्टिक थे वो हमने हटा दिया और इनको ओपन कर दिया ऐसे ओपन कर दिया ओपन करने के बाद जो एक पार्ट को जब हमने देखा तो वो कुछ ऐसा दिखाई दिया ये हमारे ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर है ठीक है पढ़ते हैं इसको एक एक पार्ट को पढ़ते हैं ह्यूमन ब्रेन तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है फोर ब्रेन मिड ब्रेन हिंड ब्रेन इसे में पढ़ लेते हैं फोर ब्रेन होता है ये आगे वाला हिस्सा ये ये होता है हमारा फोर ब्रेन ठीक है

ध्यान से इनकी प्रोनाउंसिएशन आपको ध्यान से करनी होगी सेरिब्रम सेरिब्रम मेन थिंकिंग पार्ट है मेन थिंकिंग पार्ट मेन जहां सोचने विचार सोच विचार करने के जो काम होते हैं वॉलंटरी एक्शंस सेरिब्रम क्या करता है वॉलंटरी एक्शंस लेता है सोच विचार वाले जो हम सोच समझ के लेते हैं ठीक है मेन थिंकिंग पार्ट है है ब्रेन का ठीक होता नहीं है जब हमें कोई चीज याद नहीं आती या फिर हम कोई क्वेश्चन भूल जाते हैं तो हम ऐसा नहीं करते हैं, याद आज़े, याद आज़े, याद आज़े। तो वो ये फोर ब्रेन है हमारे दिस इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन ठीक है तो मेमोरी स्टोर करता है बेसिकली सरे क्या करता है मेमोरी रखता है तभी तो सिर पे जब सिर पे जब किसी भी व्यक्ति को सिर पे चोट लगती है तो फोर ब्रेन तो आउटर पार्ट है सबसे पहला खतरा ये होता है कि इसकी यादाश्त ना चली गई हो अगर ज्यादा डीप चोट लगी है सिर के ऊपर तो सबसे पहले खतरा यही होता है कि उसकी यादाश्त ना चली गई हो बिकॉज फोर ब्रेन स्टोर्स मेमरी ठीक है मेन थिंकिंग पार्ट है बेसिकली होता नहीं है कई कि बार किसी बंदे को सिर पे चोट लग जाती है तो वो मतलब चालीस पचास साल का बंदा जो अच्छा खासा वो भी एक एज अ चाइल्ड बिहेव करने लग जाता है आफ्टर द इंजरी ठीक है तो वो इस वजह से होता है क्योंकि उसकी मेमोरी लॉस हो चुकी है ठीक है तो दैट इज बेसिकली यूर फोर ब्रेन और फोर ब्रेन का मेन थिंकिंग पार्ट जो है वो है सेरिब्रम ओके okay, उसके बाद आ जाते मिड ब्रेन में मिड ब्रेन इनवॉलेंट्री एक्शन लेता है सारे सारे तो नहीं बेसिकली मतलब एक्शंस एक्शन लेता है ठीक है इनवॉल्ट्री एक्शन हमारे लेता है मिड ब्रेन मिड ब्रेन में हमारा आता है हाइपोथलमस हाइपोथलमस इज नॉन एज मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड ये हम आगे पढ़ेंगे इसको ऐसा क्यों बोलते हैं कैसा क्या कर दिया इसने तो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है हाइपोथैलेमस ठीक है आगे आता है हमारा हिंड ब्रेन हिंड ब्रेन की तीन है बेसिकली पॉन्स मेडुला और सेरिबेलम नोट सेरिब्रम सेरिबेलम सेरिब्रम फोर ब्रेन में है सेरिबेलम हिंड ब्रेन में है में हमारा पहले है पोन्स मेडुला पोन्स बेसिकली इनवॉलेंट्री एक्शन ठीक है मेडुला मेडुला ओबिजेंडला इसका पूरा नाम है मेडुला बेसिकली क्या करता है स्लाइवेशन या फिर जिसको हम वोटरिंग बोलते थे मुंह में पानी आना वो चीज कंट्रोल करता है मेडुला कौन कंट्रोल करता है मेडुला और और मेडुला कंट्रोल करता है हार्ट बीट ब्रीदिंग रेट ब्रीदिंग रेट हार्ट बीट इन सबको कंट्रोल करता है हमारा मेडुला फिर सैरी बैलम बैलम क्या करता है सैरी बैलम का काम है बैलेंस बना के रखना बॉडी का जब हम साइकिल चलाते हैं हमारी बॉडी का बैलेंस अच्छा खासा बना होता है मतलब अच्छा खासा क्या बना ही होता है अगर नहीं बनाएगा तो साइकिल कैसे चलाओगे आप तो बैलेंस बनाता है बॉडी का दैट इज बिकॉज ऑफ सैरी बैलम सैरीब्रम क्या करता है सैरीब्रम इज द मेन थिंकिंग पार्ट इन वॉलंटरी एक्शंस ठीक है ओके okay, तो दिस इज बेसिकली योर ह्यूमन ब्रेन ज्यादा डीप हमें पढ़ना नहीं है इसको ये तो बहुत ऊपर का ओवरव्यू है उस टाइप से ठीक है दिस इज बेसिकली हाइपोथैलेमस मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है पिचूटरी हमारा मास्टर ग्लैंड है पिचूटरी क्या है पिचूटरी को बोलते हैं मास्टर ग्लैंड अब आप खुद समझ जाओ पिचूटरी को बोलते हैं मास्टर ग्लैंड और मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड मतलब हाइपोथैलेमस पिचूटरी का बाप है उस टाइप से ठीक है ओके तो ये हमारा बेसिकली ह्यूमन ब्रेन है इसमें से फंक्शनिंग पूछ ली जाती है मेडुला की पूछी जाती है सेरिबेलम की पूछी जाती है पोन्स की शायद कमी पूछी जाती है पोन्स की मेडुला सेरिबलम और सेरिब्रम सेबलम सेरिब्रम दोनों की फंक्शनिंग इन तीन पार्ट की फंक्शनिंग जो पूछी जाती हैं तीनों ही इंपॉर्टेंट है ठीक है, ओके नेक्स्ट जो हमारी चीज आती है वो ये आती है कि ह्यूमन ब्रेन इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है मेन कोऑर्डिनेटिंग पार्ट है ह्यूमन ब्रेन हमारी बॉडी का ठीक है तो इसको प्रोटेक्ट करना भी तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर ये प्रोटेक्टेड नहीं रहेगा तो फिर बॉडी कंट्रोल कोऑर्डिनेट कैसे करेगी मतलब छोटी से भी इंजरी हो जाए फिर तो बस गया ब्रेन तो हमारा हमें इसको प्रोटेक्ट करना पड़ता है और प्रोटेक्शन के लिए जो सबसे पहली आती है वो होती है हमारी कार्नियम दिस इज बेसिकली योर कार्नियम इसको मैं रेज कर रही हूँ एक बार के लिए कार्नियम कार्नियम एक बोनी एक तरीके से बोनी लेयर होती है बोन की बनी होती है स्कल जिसको हम बोलते हैं कार्नियम एक टिश्यू है बेसिकली कार्नियम एक तरीके का टिश्यू है बोन शेप है ये, है ये ये अपर पार्ट जो बोन से ढका हुआ एक डोम शेप्ड बोन होती है ठीक है बोन से प्रोटेक्टेड है अब फिर इस बोन्स के ऊपर भी बहुत सारी चीजें होती है बोन्स के ऊपर लेयर्स होती हैं बोन्स के ऊपर भी प्रोटेक्टेड लेयर्स होती हैं जिसको माइनिंग्स बोलते हैं क्या बोलते हैं माइनिंग्स बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन में सबसे पहले तो हमारे कार्नियम वो देख लिया हमने बोन की जो आउटर कवरिंग है सेकंड इज माइनिंग माइनिंग की लेयर्स होती हैं लेयर्स के भी बहुत सारे नाम है एनकरटाइट है वो सब आपको नहीं याद करना है ये माइनिंग भी बेसिकली आपको नहीं याद करना है कार्नियम याद करना है लेकिन माइनिंग पता होना चाहिए आपको माइनिंग्स होता है बेसिकली एक लेयर्स होती हैं जो इस कार्नियम के ऊपर प्रेजेंट होती हैं प्रोटेक्टिंग लेयर्स तीन लेयर होती हैं इन तीनों के बीच में एक लिक्विड प्रेजेंट होता है ताकि ये कोलैप्स ना कर जाए ये ना भिड़ जाए एक दूसरे के साथ तो वो लिक्विड को बोलते हैं कार्बोस्पाइनल फ्लूड क्या बोलते हैं कार्बोस्पाइनल फ्लूड सी एस एफ फ्लूड कार्बोस्पाइनल फ्लूड ठीक है उन लेयर्स के आपको नाम याद करने हैं नहीं तो हमारा ह्यूमन ब्रेन हो गया हमारा बेसिकली नर्वस सिस्टम हो गया मतलब हमने पूरा नर्वस सिस्टम जो है वो हमारा रिवाइज कर लिया है नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स थी जो सिग्नल को ट्रांसमिट कर रही थी न्यूरॉन्स थी जो सिग्नल को ट्रांसमिट कर रही थी न्यूरॉन्स के पार्ट थे डेंट्राइड देन सेल बॉडी देन न्यूक्लियस देन एक्जोन एंड देन फिफ्थ वन इज नर्व एंडिंग जो डेंट्राइड है वो केमिकल सिग्नल कैरी करता है सेल बॉडी के अंदर केमिकल सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट होता है एक्जोन के अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसमिट ट्रांसफर करता है या फिर चलता है नर्व एंडिंग में जाके वही सिग्नल देन इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो था हमारा वही इलेक्ट्रिकल सिग्नल केमिकल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट हो गया केमिकल सिग्नल से कन्वर्ट होने के बाद बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन बिटवीन द साइन एप्स के अंदर डिफ्यूजन के प्रोसेस से अगली न्यूरॉन तक केमिकल सिग्नल चला गया ये तो था हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर न्यूरॉन के फंक्शनिंग और न्यूरॉन के पार्ट्स आफ्टर दैट हमारे पास आया हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें था हमारा ब्रेन और स्पाइनल कोड स्पाइनल कोड क्या थी स्पाइनल कोड एक तरीके की सिलेंड्रिकल एक्सटेंशन थी क्या है स्पाइनल कोड क्या है स्पाइनल कोड एक तरीके की सिलेंड्रिकल एक्सटेंशन है जिसकी लेंथ थर्टी सेवन टू फोर्टी फाइव सेंटीमीटर होती है अकॉर्डिंग टू द हाइट पर्सन की हाइट के अकॉर्डिंग वेरी करता है ठीक है और स्पाइनल कोड का क्या हम uh, क्या प्रोसेस है पढ़ लिया रिसीव किया सिग्नल को रिसेप्टर से जो सिग्नल था वो सेंसरी न्यूरोन ने कैरी किया सेंसरी न्यूरोन उस सिग्नल को स्पाइनल कोड तक लेके गई स्पाइनल कोड में जो रिले न्यूरो थी उन्होंने उस सिग्नल को लिया और उसका रिस्पॉन्स है जो वो मोटर न्यूरोन को दे दिया ये सिग्नल आया है और इसका ये रिस्पॉन्स करना है सेंस रिले न्यूरॉन ने वो सिग्नल मोटर न्यूरॉन को दिया और मोटर न्यूरॉन ने जाके मसल्स को बोला कि ये काम है जो तुम परफॉर्म करो और मसल्स जो हमारे हाथ की मसल्स थे उन्होंने सडनली हाथ को पीछे हटा लिया दिस इज बेसिकली बेसिकलीयर रिफ्लैक्श आर्क और हम कह सकते हैं रिफ्लैक्स एक्शन ठीक है उसके बाद हमने पढ़ा ह्यूमन ब्रेन ह्यूमन ब्रेन क्या है मेन कोऑर्डिनेटिंग पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी है जो कि मेन है सबसे मेन कोऑर्डिनेटिंग पार्ट ह्यूमन बॉडी का ब्रेन के तीन थे फोर ब्रेन मिड ब्रेन हिंड ब्रेन फोर ब्रेन के अंदर हमने सेरिब्रम पढ़ा सेरिब्रम जो है वो मेन थिंकिंग पार्ट है हमारा मेमोरी स्टोर करता है सैरिब्रम मिड ब्रेन के हमने हाइपोथैलेमस पढ़ा हाइपोथैलेमस इज बेसिकली मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड

वो हमारी बॉडी का क्या बना के रखता है बैलेंस बना के रखता है जब कोई बंदा ड्रिंक कर लेता है जब कोई बंदा अल्कोहल ड्रिंक कर लेता है तो बंदा सीधा खड़ा नहीं हो पाता वो टेढ़ा मेढा चलता रहता है ऐसे टेढ़ा मेढा वो टेढ़ा मेढा इस वजह से चलता है चल था। था था, या फिर उस पर स्ट्रेट इस वजह से नहीं चला जाता सीधा एक इस वजह से चला जाता क्योंकि अल्कोहल जो है वो डायरेक्ट जाके हमारे ब्रेन के सैरी बलम पर जाके अटैक करती है और सैरी बलम हमारे बॉडी का पॉइचर बैलेंस ये सब डिफाइन करता है इस वजह से जब ड्रिंक करने के बाद एल्कोहल ड्रिंक करने के बाद बंदा ऐसे सीधा नहीं चल पाता है जैसे वो एज यूजल चलता है बैलेंस उसका बॉडी का होता है उसके बाद जो हमारे मिड ब्रेन था वो इनवॉल कैरी करता है और जो हमारा है उसके अगेन बहुत सारे पार्ट होते हैं ऑक्यूपेशनल होता है और बहुत सारे लोग होते हैं वो आपको याद नहीं करने ठीक है थैंक टू गॉड ओके तो ये हमारा पूरा नर्वस सिस्टम जो है वो रिवाइज होता है पूरा हमने कंप्लीट कर नर्वस सिस्टम के अंदर एक और था कार्नियल और स्पाइनल वो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि कार्नियल वो रेज होती हैं जो होती है, होती हैं जो ब्रेन से arise होती है वो भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने में मदद करती हैं दैट्स इट आपको और कुछ याद नहीं रखना अब बारी है हमारी हॉर्मोनल सिस्टम की अब किसकी बारी है हॉर्मोनल सिस्टम की पढ़ते हैं हॉरमोनल को यहां बता देती हूँ मैं एक बार हार्मोनल सिस्टम बेसिकली ठीक है हार्मोनल सिस्टम को पढ़ने से पहले पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ग्लैंड हार्मोन इन छोटे-छोटे वर्ड्स -छोटे का मीनिंग क्या है ग्लैंड वो ऑर्गन्स होती हैं जो कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज करती हैं जो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक काम करते हैं अब आप इसको इंग्लिश में कन्वर्ट खुद कर लेना ये ग्लैंड की डेफिनेशन है ग्लैंड ऐसी ऑर्गन्स होती हैं जो एक स्पेसिफिक केमिकल्स रिलीज करते हैं करती तो छोटे अमाउंट में ही है लेकिन वो छोटे अमाउंट के केमिकल मतलब स्मॉल अमाउंट में केमिकल्स जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं उनका एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं और उन केमिकल्स को ही हम बोलते हैं हार्मोन और उन ऑर्गन्स को जो इन केमिकल्स को रिलीज करती हैं उनको हम बोलते हैं ग्लैंड्स ग्लैंड्स दो टाइप के होते हैं एक होता है एंडोक्राइन एक होता है एक्सोक्राइन एक होता है एंडोक्राइन एक होता है एग्जोक्राइन वो ग्लैंड्स होती हैं जो अपनी जो सिक्रीशन है मतलब जो भी वो सिक्रीट करती हैं वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर सिक्रीट कर दे डायरेक्टली टू ब्लड मतलब डक्टलेस ग्लैंड डक्टलेस लेकिन वहीं अगर दूसरी और एक्सोक्राइन को देखें इनके पास डक्ट होता है एक प्रॉपर पाइप होती है जिससे अपनी सिक्रीशन है वो सेक्रेट करते हैं डायरेक्टली ब्लड के अंदर बेसिकली सेक्रेट नहीं करती हैं ब्लड के अंदर डायरेक्टली ब्लड के अंदर डायरेक्टली सिक्रीट नहीं करते हैं ठीक है तो एंडो और एक्सोक्राइन में ये डिफरेंस है हमें एक्सोक्राइन नहीं हैं हमें एंडोक्राइन पढ़ने हैं। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन पढ़ने से पहले हमारे पास एक आता है हेट्रोक्राइन। हेट्रोक्राइन वो होते हैं जो ये दोनों है मतलब वो डक्ट के थ्रू भी दे सकते हैं और डायरेक्टली ब्लड के अंदर भी दे सकते हैं दे आर बेसिकली नॉन एज हेट्रोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल पैनक्रियाज एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड ठीक है तो अब हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स को एक-एक करके इनके फंक्शनिंग इनके किस चीज को कंट्रोल करते हैं सब पढ़ते हैं। एक बार पहले देख लेते हैं कौन-कौन से होती हैं ओके हाइपोथैलेमस पीनल पिट्यूटरी थायराइड एड्रिनल थाइमस थाइमस हमें नहीं पढ़ना है टेस्टिस ओवरीज एंड पैनक्रियास ये बाकी सारे हमें पढ़ने हैं पढ़ना तो हमें पीनियल ग्लैंड भी नहीं है बट फिर भी बट हमें थाइमस तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है तो हमें बिल्कुल ही नहीं पढ़ना है ग्लैंड हमें नहीं पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पिट्यूटरी पीनल आपको मैं थोड़ा बहुत बता दूंगी फिर पीनल पढ़ लेंगे फोर्थ जो हमारा हम था अगर हम सीरियस वाइज चले फोर्थ वहां आता आता है थायराइड अगर हम ह्यूमन बॉडी के अंदर देखें सॉरी वो डायग्राम मैं ला नहीं पाई

को क्या बोलते हैं मास्टर मास्टर ऑफ ग्लैंड ऐसे हॉर्मोन्स रिलीज करता है या फिर ऐसी अपनी सिक्रीशन देता है जो जाके पिच्यूट्री को ऑर्डर देती है और पिच्यूट्री ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है मतलब पिचुट्री हमारी पूरी बॉडी के जितने भी ग्लैंड हैं उन सबको संभालती है और पिच्यूटरी को संभालने वाला हाइपोथैलेमस पिचुट्री हमारी पूरी बॉडी के सभी ग्लैंड्स को संभालती है और पिचुट्री को संभालता है हाइपोथैलेमस ठीक है तो हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं और मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं पिचुट्री ग्लैंड को बोलते हैं ठीक है तो हाइपोथैलेमस क्या करता है हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है एक ही याद रखना हमें बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है ठीक है पहला मैंने सिर्फ इतना लिखा है बॉडी टेम्परेचर मतलब हाइपोथल को कंट्रोल करता है क्या निकालता है ग्रोथ हॉर्मोन अगर कोई बंदे की कई कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी हाइट बहुत लंबी चली जाती है और कई ऐसे होते हैं जिनकी मतलब हाइट होती है बिल्कुल कम रह जाती है वो होता है ड्राफिज्म और ड्राफिज्म और ज्यादा मतलब ही हाइट, ना बनना, होता है, हाइट बच जाना तो वो होता है बेसिकली ग्रोथ हार्मोन की वजह से अगर किसी बंदे के अंदर ग्रोथ हार्मोन रिलीज कम हो रहे हैं तो वो ड्राफ रह जाएगा मतलब छोटा रह जाएगा और अगर किसी के अंदर एक्सेस में हो रहे हैं मतलब बहुत ज्यादा हो रहे हैं तो उसकी हाइट अच्छी खासी लंबी चली जाएगी मतलब एज के हिसाब से उससे भी ज्यादा लंबी चली जाएगी तो ग्रोथ हार्मोन डिपेंड करता है ग्रोथ हार्मोन को रिलीज कौन करता है पिच्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन का रिलीज कौन करता है पिच्यूटरी ग्लैंड पिच्यूटरी ग्लैंड एक टीएसएच नाम के हार्मोन को भी रिलीज करती है इसकी फुल फॉर्म है थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन क्या है थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन मींस का हार्मोन जाके नेक्स्ट हमारा है आ, मतलब पीनल हमें पता नहीं है, वैसे देखे तो, तो जाके देता है कि तो अपने हार्मोन्स को रिलीज करिए मास्टर ग्लैंड बोलते हैं ठीक है उसके बाद है हमारा पीनल ग्लैंड थर्ड आई मतलब एक तरीके की ये तो लोगों को मानना है पीनल ग्लैंड क्या है थर्ड आई तीसरी आंख हमारा जो भी साइकिल होता है उसको पीनल ग्लैंड कंट्रोल करता है जैसे क्या होता है आप टेंथ क्लास के स्टूडेंट अगर कोई देख रहा है या फिर जो भी आप स्टडी करने वाले किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेशन करने वाले इसको देख रहे हो वीडियो को तो अगर आप ने स्टार्टिंग की है स्टडी की जस्ट कि मैं कड़ी मेहनत करूंगा कड़ी स्टडी करूंगा उस टाइप से तो आपने एक दिन 11 बजे तक पढ़ लिया आपको नींद आएगी 10 बजे मान लो आपका रूटीन है कि आप 9 बजे सो जाते हो लेकिन आपने डिसाइड किया मैं आज से 11 बजे तक पढ़ूंगा आपको 9 बजे नींद आना स्टार्ट हो जाएगी आप सो जाओगे आप अगले दिन अगले दिन आप 11 बजे तक पढ़े आपने जैसे तैसे करके कॉफी पी <laughs> कुछ भी किया मतलब 11 बजे तक पढ़े अगले दिन फिर आप 11 बजे तक पढ़े ऐसे करते करते आप दो तीन दिन जो है वो 11 बजे तक सुपोज करो आपने पढ़ लिया आपको चौथे या पांचवें दिन मतलब एक हफ्ते बाद आपको ग्यारह बजे नींद नहीं आना बंद हो जाएगी आपका जो स्लीप साइकिल है वो उस अकॉर्डिंग इलेवन ओ क्लॉक के अकॉर्डिंग आपका जो स्लीप साइकिल है वो डिफाइन हो चुका है अब आप कुछ कर लेना आपको 11 बजे से पहले नींद नहीं आएगी वो बात अलग है कि आप बीमार हो वो, वो अलग फैक्टर्स है बट हम एक कॉमन बात कर रहे हैं कि अगर आपने 11 बजे का शेड्यूल अपना बना लिया है और आप उस पर फॉलो हैं मतलब आपने दो तीन हफ्ते उसको फॉलो किया है तो आपको अब ग्यारह बजे से पहले नींद आना बंद हो जाएगी आपको आएगी नहीं नींद ग्यारह बजे से पहले आपको नींद नहीं आएगी ठीक है तो दैट इज बेसिकली कंट्रोल्ड बाय पीनल ग्लैंड ठीक है उसके बाद आता है हमारा थायराइड ग्लैंड थायराइड ग्लैंड से क्वेश्चन बहुत बनते हैं थायराइड ग्लैंड इंपॉर्टेंट भी है थायराइड ग्लैंड इस वजह से इंपॉर्टेंट है ग्लैंड एक थायरोक्सिन नाम का हार्मोन निकालता है जो कि हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है is metabolism? Metabolism is दोनों का कॉम्बिनेशन कैटाबॉलिज्म क्या होता है अब ये एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म होता है केमिकल का फॉर्मेशन होना और साथ में केमिकल का डिस्ट्रॉय जाना मतलब हमारी बॉडी के अंदर कोई केमिकल बना और वो डिस्ट्रॉय हो गया ये फिर बॉडी के अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शन हुआ और वो बंद हो गया दिस होल प्रोसेस इज बेसिकली नॉन एज मेटाबोलिज्म ठीक है केमिकल का बनना केमिकल का डिस्ट्रॉय होना हो मतलब पूरा कंप्लीट हो गया उस प्रोसेस को बोलते हैं मेटाबोलिज्म उसको कंट्रोल करता है थायराइड ग्लैंड उसको कौन कंट्रोल करता है ग्लैंड और थायरोक्सिन नाम का हार्मोन जब हो मतलब हो तो गोइटर हो होता है हमारे ऑफ नेक नेक का सूजन हो जाना दैट इज बेसिकली और गोइटर बीमारी और था के निकलने के लिए फिर थायरोक्सिन के सिंथेसाइज होने के लिए आयोडीन बहुत जरूरी है क्या जरूरी है आयोडीन वजह से बोले जाता है कि वी शुड ईट आयोडाइज्ड सोल्ट हमें आयोडाइज्ड नमक खाना चाहिए जिसके अंदर आयोडीन अच्छी मात्रा में हो टाटा नमक पे लिखा नहीं आता आयोडाइज सोल्ट वो इस वजह से होता है कि आयोडीन के अमाउंट अगर अच्छी होगी तो थायरोक्सिन अच्छे से रिलीज होगा हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल में रहेगा होता नहीं है कई बंदे ज्यादा मोटे हो जाती हैं एज से पहले फैटी हो जाते है और कई बिल्कुल ही पतले पतले हो जाते हैं तो वो इसी वजह से होता है कि हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छे से कंट्रोल नहीं हो पा रहा है बेसिकली उनके थायरोक्सिन जो हार्मोन की जो अमाउंट है वो एक तरीके से कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रही है एक पर्टिकुलर जितनी अमाउंट होनी चाहिए उतनी रिलीज नहीं हो रही है। ठीक है तो दिस इज बेसिकली थायरोड इससे ये आयोडीन वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि आयोडीन सोल्ट हमें क्यों खाने के लिए बोला जाता है द रीजन इज दैट क्योंकि आयोडीन जो है वो थायरोक्सिन हॉर्मोन के निकलने के लिए जरूरी है और थायरोक्सिन हॉर्मोन अगर नहीं निकलेगा तो हमें गोइटर नाम की बीमारी हो जाएगी गोइटर क्या होता है बेसिकली स्वेलिंग ऑफ नेक उसके बाद जो हमारा है वो है पैनक्रियास पैनक्रियास दो हॉर्मोन निकालता है मैं बता दूंगा आपको लिखने की जरूरत नहीं है पेनक्रियाज आप तो लिखना मतलब मेरे को लिख के दिखाने की आपको जरूरत नहीं है पेनक्रियाज दो हॉर्मोन निकालता है एक का नाम है इंसुलिन एक का नाम है ग्लाइकोजन एक का नाम इंसुलिन एक का नाम है, है ग्लाइकोजन इंसुलिन क्या करता है इंसुलिन ब्लड शुगर को घटा देता है ग्लाइकोजन ब्लड शुगर को बढ़ा देता है इंसुलिन ब्लड शुगर को घटा देता है ग्लाइकोजन ब्लड शुगर को और बढ़ा देता है अगर किसी बंदे को डायबिटीज है डायबिटीज में क्या होता है ब्लड शुगर बढ़ गई होती है डायबिटीज इस वजह से होती है क्योंकि जो जो इंसुलिन नाम का ये ये पैनक्रियाज uh, निकालता है ना काम करना बंद कर देता है इंसुलिन का काम क्या ब्लड शुगर घटाना अब इंसुलिन ने काम करना बंद कर दिया मतलब ब्लड शुगर घट नहीं रही लेकिन ग्लाइकोजन रिलीज हुए जा रहे हैं मतलब ब्लड शुगर बढ़ती जा रही है तो ब्लड शुगर बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है तो उसको डायबिटीज बंदे को हो जाती है बिकॉज ऑफ दैट रीजन इंसुलिन वहां पे काम करना अपना बंद कर देता है इंसुलिन स्टॉप वॉकिंग डायबिटीज के केस में तो इंसुलिन क्या करता है ब्लड शुगर को घटाता है ग्लाइकोजन क्या करता है ब्लड शुगर को बढ़ाता है ठीक है इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं डायबिटीज के जो पेशेंट्स होते हैं ना उन्हें इंसुलिन नाम के हॉर्मोन्स के इंजेक्शनस दिए जाते हैं ठीक है नेक्स्ट जो हमारा है वो है एडर्नल ग्लैंड इसका अच्छा खासा रोल है एडनल ग्लैंड है जो एडर्नल जो हमारा ग्लैंड है वो एमरजेंसी हॉर्मोन्स निकालता है या फिर स्ट्रेस हॉर्मोन जब हमें स्ट्रेस होता है या फिर कोई एमरजेंसी होती है वो जो हॉर्मोन्स होते हैं वो एडर्नल ग्लैंड निकालता है एडर्नल ग्लैंड से जो हॉर्मोन निकलता है एक ही याद रखना उसका नाम है एडर्िन एडर्िन हॉर्मोन एडर्नल ग्लैंड से निकलता है एमरजेंसी हॉर्मोन होता है दे एडर्नल ग्लैंड ऑल्सो रिलीज स्ट्रेस हारमोन स्ट्रेस हॉर्मोन्स भी रिलीज करता है काम क्या होता है एक नाम आता है क्लस्ट्रोफोबिया क्लस्ट्रोफोबिया इज़ बेसिकली किसी बंदे को बंद जगह से डर लगना फियर फ्रॉम एन क्लोज एरिया बंद कमरे से डर लगना मतलब बंद कमरा है कोई भी बंद जगह है वहां पे वो बंदा रह नहीं सकता उसको घुटन होने जा लग जाती है फैक्टर्स क्या है कैसे पता चलेगा बंदे का ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा आंखों का जो पीओपिल है वो इंक्रीज हो जाएगा मतलब ऐसा नहीं होता तो बोलती नहीं आंखें फटने को रखें मतलब पीओ इंक्रीज हो जाएगा ब्लड प्रेशर इंक्रीज ब्रीदिंग रेट इंक्रीज वो हाफने लगता है बंदा जब उसको एक घुटन बंद कमरे के अंदर बंद कर दिया जाता है जिसको क्लस्ट्रोफोबिया होता है ऐसे ही कई लोगों को हाइड्रोफोबिया होता है पानी से डर लगता है कई बंदों को पानी को वो टच नहीं कर सकते पानी के अंदर वो डाइव नहीं कर सकते स्विमिंग करते वक्त जब पानी के अंदर डाइव करते हैं ना वो डर जाते हैं नहीं होता उनसे उनकी ब्रीदिंग रेट इंक्रीज होने लग जाती है पीपील इंक्रीज हो जाते हैं आंखों गए तो ये फैक्टर्स हैं कुछ जो पता चल चला चलता है जिनसे कि उस बंदे को डर लगता है पर्टिकुलर उस चीज से ठीक है तो एडर्नल ग्लैंड वहाँ पे एडर्नल हॉर्मोन रिलीज होता है जब हम डरते हैं ठीक है स्ट्रेस हॉर्मोन बेसिकली जैसे कि मैंने बोला सेवंथ है हमारे टेस्टीज और ऑवरी टेस्टीज जो है वो टेस्ट्रोजन नाम का हॉर्मोन निकालता है टेस्टीज टेस्ट्रोजन नाम का हॉर्मोन निकालता है और ओवरी है जो वो ऑस्ट्रोजन या फिर पोजेस्ट्रॉन दो हार्मोन होते हैं ये निकालता है जो जब ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी रिलीज होता है और ऑस्ट्रोजन होता है ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस पिप्यटी या एडल सेंस के एज में रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है तो टेस्टिस बेसिकली टेस्ट्रोजन और ओवरी बेसिकली ये ऑस्ट्रोजन और पोजेस्ट्रॉन और ये दोनों ही हॉर्मोन ऑस्ट्रोजन और टेस्ट्रोजन जो टेस्टीज और ऑवरीज निकालते हैं ये दोनों ही हॉर्मोन सेकेंडरी सेक्शुअल करेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं तो यहाँ पे हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड की फंक्शनिंग सबकी खत्म होती है और हमारा हॉर्मोनल जो पढ़ना था हमें वो भी कंप्लीट होता है तो इस वीडियो में इतना ही नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम प्लांट्स के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और एज वेल एज क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक जो मैंने बोला है जो मैंने बोर्ड पे नहीं लिखा है बल्कि मैंने जो आपको बोल के समझाया है क्योंकि इस चैप्टर के अंदर क्या है दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट चैप्टर बायोलॉजी का सबसे फेवरेट चैप्टर है मेरा बिकॉज इस चैप्टर के अंदर आपके कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं आपको याद रखने की चीज़ें इतनी नहीं है जितनी लाइफ प्रोसेस के अंदर थी ट्राइप सीन उनके नाम पार्ट्स के नाम इतना याद करने का नहीं है इस चैप्टर के अंदर आपका कॉन्सेप्ट देखा जाता है आपकी एक तरीके से कंसेप्चुअल पावर इस चैप्टर के अंदर आपकी जो है वो दिखाई देती है तो इस ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर है पूरी साइंस की बुक से ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्लांट के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए तब तक ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड हैव अ गुड डे